बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आज तक, सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत दोनसी, आप देख रहे हो मेवात आज तक। आज हमारी टीम पहुंची है उदा का गांव में। यहां पर 19 तारीख को करीबन बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया था आपस में, एक मुस्लिम समाज में हुआ था, जो बदलकर एक राव साहब और मुस्लिम में मतलब आ गया है। उसमें एक वकील हैं नवीन यादव जी, उनके बहुत गंभीर चोट आई है, फिलहाल वो ज़्यादा सीरियस हालत में एक निजी हॉस्पिटल में हैं। घायलों से आपके सम्मुख बात करवाते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? कुंदन लाल जी, जो ये झगड़ा हुआ था किस प्रकार हुआ था? ये सर इस प्रकार हुआ, जमशेद और अख्तर की लड़ाई थी। अच्छा जी, 15 तारीख में उनकी लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद वो रिपोर्ट फैसला था नहीं, वो क्या ये रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में कोई मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है जमशेद की, वो बच्चे वो बोला गुड़गांव से ड्यूटी आया नवीन। अच्छा जी, वो बच्चे बोले भाई हमें वहाँ तक छोड़ दे। बोले भाई ठीक जाओ, बैठ जाओ चाची। वो उसने वहाँ थाने तक उनको बच्चों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अख्तर बोला भाई इनको इनके साथ क्यों आया? वो लड़का बोला नवीन भाई आप कहते हैं चाचा जी, मैं आपको भी ले आता। ठीक है, आ गए। दूसरे दिन उनकी मम्मी है जो, उनको बुलाया गया अख्तर ने अपने घर बुला कर उनसे कहा आपके लड़के को हम जान से मार देंगे। किसने दी ये धमकी? अख्तर और घरवाली पत्नी। अच्छा, नवीन जो वकील साहब है उनके लिए धमकी दी? हाँ, नवीन वकील साहब के लिए धमकी दी है। और जब से वो क्या जयकम उनके पास बैठा हुआ था, ठीक है जी, उस टाइम तो शाम उसकी मम्मी चली गई सुनकर। शाम को जब वो नवीन वकील जो आया लड़का, उन्होंने उनके सामने बताया बेटे ये ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने बुलाई थी मैं और ऐसे ऐसे बोले। ठीक है मम्मी, वो बोलो मैं दरखास्त दूंगा एप्लीकेशन, वो ना अपने बाबा से पूछ ले। उसने अपने बाबा से पूछा, वो बोला कोई बात ना समझा देंगे, अपने अंकल से भी कहा सतबीर से। अच्छा, वकील साहब ने बोला? हाँ, वकील साहब ने बोला अपने अंकल सतबीर से भी, उन्होंने कहा ठीक है हम कह देंगे, ऐसा ना करेगी, ना धमकी देगी, ना मारेगी, कुछ ना। वो लड़का मैं मान गया। इनका 19 तारीख में कोई फैसला था, पंचायत थी। अच्छी, यहीं इधर ही साइड में। अच्छा, गांव में ही पंचायत? गांव में ही पंचायत थी, जमशेद और अख्तर की, अख्तर के बीच में। हाँ, दोनों का उनका पंचायत थी। उसके बाद जो है इनके दादाजी थे नवीन वकील के, अकेले ही बुला लिया गया था, बुड्ढा आदमी है। तो नवीन पहुंच गया लास्ट में, बुलाया। अच्छा, पंचायत में चले गए नवीन जी? उन्होंने बुलाया पंचायत में, जैसे अब हो जाते हैं फैसले, वो लास्ट में वहाँ पहुंचा। पहुंचाने के बाद शरीफ का नाम का बोला कि भाई ये वकील साहब आ गए, एप्लीकेशन इनसे लिखवा लो। लड़का बोला जी मैं तो पहले ही धमकी दे रखी है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन्होंने पहले ही धमकी दे रखी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इनकी एप्लीकेशन। सही बात, ठीक है। इतना कहने पर उन बच्चों ने उसके पास उसके साथ गाली गलौज और गुथ गए। अच्छा, मतलब जो गाली गलौज और गुथने का जो शुरुआत की, किसने की जी? ये अख्तर। अच्छा, अख्तर की फैमिली ने की है? हाँ, अख्तर की फैमिली ने की, वो बच्चे भी उसके लड़के भी गुथ गए। अच्छा, सतीश और उसको नवीन वकील को। अच्छा, कोई बात नहीं, वहाँ थोड़ा शांत करवाया गया, फिर इसके बाद चल दिए, यहाँ रास्ते में उनका घर था। अच्छा, फिर रास्ते में मतलब घेर लिया? हाँ, रास्ते में घेर लिया उन्होंने, चार पांच तीन चार लड़के थे, दो आप तो पाँच छः व्यक्ति थे, इनका परिवार सारा था। उन्होंने रास्ते में चलते हुए को जयकम ने धक्का पकड़ कर खींच लिया अपने गेट के पास ही, गेट के पास जयकम खड़ा हुआ था, जयकम ने धक्का मार कर अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद चोट फैटे, ऊपर से ईंटें डालने लगे हुए लड़की। अच्छा, ऊपर से ईंट बरसाई है? हाँ, ईंटें बरसाई। और ताऊ जी, ये आपके चोट आई है ये कैसे कैसे आई है? ये मेरे आई है, मैं नवीन को बचाने के लिए भागा, नवीन जब बिल्कुल डिलीट कर दिया इन्होंने, मार दिया डंडों से, फरसों से या बैट सिर में लग गए तो मैं बचाने के लिए इसे भागा। मैं भी थोड़ी आगे था,
इसे बचाने के लिए गया तो मुझे भी खींच के डाल दिया, मारपीट कर दी, सिर फोड़ दिया। नहीं, कितने आदमी की चोट आई है जी फिलहाल? हमारे छः, नवीन ज्यादा सीरियस है। अच्छा, नवीन सहित छः आदमियों को चोट आई है। हाँ, किसी लेडीज की नहीं आई? लेडीज है, प्रेमवती जो बेदराम घर से है। अच्छी, और कमलेश भी है, ये पांच छः हैं। अब शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हो? हम सर चाहते तो ये हैं कि हमारा बच्चा ठीक ठाक हो जाए, सही सलामत घर आ जाए, यही चाहते हैं हम। हमारा बच्चा, दोषियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है नहीं हुई है? गिरफ्तारी कहाँ हुई है सर अभी तक? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, दो व्यक्ति ने तीन की हुई है, क्या है हम तो अभी। एक दूसरी घायल महिला है, उससे भी बात करते हैं हम। क्या नाम है जी आपको? प्रेम। प्रेम जी, जो ये झगड़ा हुआ है इसके लिए शासन प्रशासन की क्या मांग करते हो आप? हम तो ये करते जी, हमारे बच्चा बच जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं हम प्रधान लागू होते ही रहेंगे। हमें तो जय इंसाफ चाहिए, या उसको सजा तो दुआओ, कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। प्रेम जी बोल रही है कि जो शासन प्रशासन है सख्त कार्रवाई करे, और जो हमारा लड़का घायल है वो सही सलामत घर लौट आए। मेवात आज तक से इंद्रजीत यदुवंशी की रिपोर्ट।